अभी उसको दे दो पहले। हाँ, उसको या थैंक यू शाहरुख। तू रुक जा अभी, एक मिनट रुक जा। थैंक यू शाहरुख, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आई एम कार्मिक फ्रॉम icarmic.com। यू द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। थैंक यू, मुझे में भी थोड़ी शराफत है। एक्चुअली रेखा वाज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। नहीं, मैं मर्दों में फर्स्ट था। अच्छा, ओके। शाहरुख, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर एंड थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग इन माय बिजनेस। द रीजन आई से दैट इज एग्जैक्टली अ ईयर अगो वी मेट। It was the same day, the only difference was you were 49, you were 50 today. And yours was the first video that we put up on YouTube, or Shahrukh Khan is a YouTube channel, but he's not just a blog guy. Thank you. So, our website is starting, and we also have investors, so I owe this to you. No, I do have a lot of business. Bahut din dugni raat chauni kamaiye inshallah. Yeah, Shahrukh, the question is, you know, we have seen and observed that you are very clear about the work that you do. You do movies like Happy New Year and Chennai Express, which satisfy you as a star, and then you do movies like Chak De India and Swadesh and My Name Is Khan that satisfy you as an actor. Fan producer, where would you place that role? In which genre? मैंने मतलब पिछले 25 साल में बहुत सारी फिल्में की, अच्छा नहीं लगता एक फिल्म को दूसरी फिल्म से कंपेयर करो, लेकिन मनीष शर्मा, आदि और जितने भी लड़के लड़कियाँ हैं इस फिल्म के अंदर, सबके सब कहीं ना कहीं पर, आदि की बात नहीं कर रहा बट बाकी जितने भी हैं इस फिल्म में, कहीं ना कहीं तो ये बोलते हैं कि दिल्ली वाले जिस जगह से भी थे, दे वॉन्टेड टू जॉइन फिल्म्स बिकॉज दे सॉ मी एंड होप्ड कि वो भी मेरी तरह यहाँ पर काम कर सकें। To me, I think Fan is the most special film I've done today. And it's not the hard work in it. It's one of those films mujhko malum nahi hai maine sahi kiya hai ki galat kiya hai as an actor. Aur wo sabse badi baat hoti hai. When you don't know if I've got it right. So I hope I've got it right. It's really a difficult film to essay for me as an actor. But I think I've tried my best. Aur mujhe aisa lagta hai ki main hamesha kehta tha ki zindagi mein aisi 5 filmen banaun. जब तक मेरा करियर हो जो मैं अपने बच्चों को दिखाऊं दे फील प्राउड आई थिंक फैन विल बी वन ऑफ माय होप्स एट लीस्ट फॉर मी इट विल ऑलवेज बी आई डोंट नो द बॉक्स ऑफिस आई डोंट नो बिजनेस आई डोंट नो व्हिच जॉनर इट फॉल्स इन बट फॉर मी एज एन एक्टर आई थिंक आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ शाहरुख शाहरुख आपके सामने विकास फ्रॉम न्यूज़ डिश सामने मैं खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि कैमरा है मेरे पीछे यहां थैंक यू वेरी मच सबसे पहले जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और शाहरुख मेरा सवाल आपसे यह है कि वक्त बदला दौर बदला इन पूरे 50 सालों में सबसे बड़ा बदलाव जो है शाहरुख के लिए वो क्या हो इन 50 सालों में आई थिंक जनरली एक फेज था मेरी लाइफ में जब मेरे अपने मुझसे छूट गए मेरे माँ बाप और एक फेज है मेरी लाइफ में जब मुझको एक्स्ट्रा अपने मिले आर एन सुहाना राम तो ये जो मतलब पर्सनल लाइफ में ये दो फेजेस मेरे लिए बहुत खूबसूरत और अभी भी खूबसूरत रही और काम के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि मुझे लगता है मैंने काम अभी शुरू किया है तो मुझे नहीं लगता मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ मुझे लगता है 25-30 दिन से काम कर रहा हूँ तो अभी बहुत सारा काम बाकी है सो उसके बारे में नहीं बोल सकता बट पर्सनली आई थिंक दिस टू वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस इन माय लाइफ या